आज बाल दिवस के शुभ अवसर पर एकत्रित हुए हैं। बाल दिवस जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। जवाहरलाल नेहरू अपने पॉकेट में हमेशा एक गुलाब का फूल रखते थे। इसके पीछे क्या रहस्य पता है आपको? गुलाब जो होता है हमेशा किसके बीच खिलता है? कांटों के बीच खिलता है और अपने चारों ओर के वातावरण को सुगंधित करता है। तो हम बच्चे भी आप बच्चे गुलाब के फूल की तरह हैं। आपके चारों ओर बहुत सारे कांटे मतलब समझ सकते हैं, बाधाएं समस्याएं उपस्थित रहती है और आपको उसके बीच संघर्ष करना पड़ता है और संघर्ष करके ही आप अपने आसपास के वातावरण को क्या करते हैं? सुगंधित करते हैं। अब देखिएगा, संघर्ष का विद्यार्थी जीवन में बहुत ही अहम भूमिका है। जो संघर्ष नहीं करता है वो सफल नहीं हो सकता है, वो चाहे कोई भी हो। आप सुने होंगे राइट ब्रदर्स का नाम, राइट बंधु करते हैं ना, उन्होंने क्या किया था कि सपना देखा था। सपना देखना सब कुछ चाहिए, सपना अगर नहीं देखते हैं तो आप सफल नहीं हो सकते। सपना देखा था कि हम हवा में सबको उड़ा देंगे, बेंच उड़ा देंगे, कुर्सी उड़ा देंगे, लोहा को उड़ा देंगे, सब कुछ को हवा में उड़ा देंगे। क्या उसके पास आस पास वाले उसके दोस्त कह रहे होंगे कि हाँ तुम ठीक बोल रहा है, उड़ जाएगा, ऐसा बोले होंगे? नहीं, कहा पागल है तुम, पागल जैसा क्या बोलते रहता है, हवा में कैसे उड़ सकता है, आखिर लोहा का सामान कैसे उड़ सकता है। तो सफल होने के लिए हमको काबिल नहीं बनना पड़ता है, पागल बनना पड़ता है, क्योंकि पागल लोग ही दुनिया को बदल सकते हैं। और जो काबिल लोग होते हैं ना, वो अभी भी बैठ कर सोच रहे हैं कि सौरभ सर कहाँ गलती बोले तो हम उनका गलती निकालते, यही सोच रहे हैं। पूरा दुनिया को कौन बदल सकता है? पागल। अगर सफल आप बनना चाहते हैं तो आप अपने आप को पागल बनाइए। आपको अगर टॉप करना है, यूपीएससी करना है, तो उसके पीछे पागल बन जाइए, पागल की तरह उसके पीछे लग जाइए। कोई भी सपना साकार हो सकता है। आखिर दुनिया में ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो आपसे परे नहीं है, जिसको आप पा नहीं सकते, सब कुछ आप पा सकते हैं। जीवन में कठिनाइयां तो हमेशा सबके आते रहती हैं, हम हर कोई को संघर्ष करना पड़ता है। चाय पीते हैं ना आप लोग? चाय पीते हैं तो चाय पीते हैं तो देखते होंगे उसके ऊपर क्या छाली जम जाता है ना। हम क्या करते हैं? अब बैठ कर होता है नहीं, छाली जम गया, आप नहीं पियेंगे ऐसा करते हैं, नहीं उसको छाली को निकाल कर फेंक देते हैं और चाय को क्या कर देते हैं? पी जाते हैं। सेम उसी तरह से आपके जीवन में कठिनाइयां जो है ऊपर छाली की तरह बैठी हुई है, उसको क्या किए निकाल के फेंक दीजिए और उसको क्या कीजिए? पी जाइए। दुनिया में हर एक व्यक्ति के लाइफ में संघर्ष बहुत जरूरी होता है। संघर्ष से बिना कोई व्यक्ति सफल नहीं हो पाता है। एक बार एक व्यक्ति गलती से डेथ कर गया और ऊपर पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया? ऊपर। ऊपर पहुंच गया, भगवान से जाके कहा कि आपको भगवान सब पता होता है कि अभी बारिश नहीं करना है, बारिश करेंगे तो इसका नुकसान हो जाएगा, उसका नुकसान हो जाएगा, फिर भी आप बारिश कर देते हैं। अगर आपको पता होता कि अभी ज्यादा धूप नहीं करना चाहिए, अभी फसल खराब हो जाएगा, फिर भी आप धूप ला देते हैं। आपको भगवान दुनिया चलाने नहीं आ रहा है, दुनिया चलाने का जो बागडोर है वो हमको सौंप दीजिए। आप यहाँ से एक साइड लीजिए जो मशीनवा है रिमोट कंट्रोल वाला, तो हमको दे दीजिए। भगवान बोले कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुमको नहीं दे सकते हैं। लेकिन उनका बंदा था बिहारी, मानेगा इसे? जी जिद करके वो ले लिया मशीनवा के बागडोर, मशीन का बागडोर लिया ना, और उसके बाद क्या किया कि एकदम आराम से देखा कि अभी बारिश होने का टाइम है तो उतना ही बारिश दिया, उसके बाद अगर धूप का टाइम है तो उतना ही मतलब आवश्यकता अनुसार धूप दिया, उतना ही ज्यादा हवा, उतना ही ज्यादा नमी, उतना ही ज्यादा आर्द्रता। किसान का जो फसल था वो फसल एकदम लहलहा उठा, सब एकदम एक जैसा हो गया। कहने की देखे भगवान ऐसे दुनिया चलाया जाता है, आपको तो दुनिया चलाना ही नहीं आता है, ऐसे कैसे दुनिया आप चलाते हैं? कुछ भी करते रहते हैं, जो नहीं होना चाहिए उसी को करते रहते हैं। कभी कोरोना भेज देते हैं, कभी ये भेज देते हैं, कभी वो भेज देते हैं। तो बोले कि अच्छा बाबू देख लो, थोड़ा वेट कर लो। किसान गया, फसल काटा ना, तो उसमें जो धान का खेती था, धान में चावल ही गायब था। फसल तो हो गया लेकिन चावल क्या था? गायब था। बोला कि सब तो ठीक किए भगवान, ये चावल कैसे गायब हो गया? भगवान बोले कि देख, चावल को सब कुछ आराम से मिल गया, धान को उसको तेज हवाओं से लड़ने को नहीं मिला, तेज धूप से तपने को नहीं मिला, इसलिए उसमें फल नहीं लगा। उसने कहाँ पे चुनौती का सामना किया? उसने तो संघर्ष ही नहीं किया। यानी जब तक आपके लाइफ में संघर्ष नहीं होता है तब तक फल नहीं लग सकता है, सफलता रूपी फल को आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अतः हमारे लाइफ में संघर्ष बहुत जरूरी है। एक बात याद रखिएगा, जो तपता है वही चमकता है। यानी अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो सूरज की तरह तपना भी पड़ता है। ठीक है, इतना ही सब।